एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आ जाए भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, जिस तरीके बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बहुत डाउन चल रहा था और डाउन चल भी रहा है, उसको जमीन खोजने के लिए जगह जगह बाबा साहब के नाम को लेकर, बाबा साहब के बातों को आम जनता में फैलाया जा रहा है। हमारे बीच में है दिल्ली के अंदर जिन्होंने पूरी अपनी छवि को निखारा है और पूरी दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे बीच में हाजी अफजाल जी, आपकी पत्नी निगम पार्षद है। आइए हम बात करते हैं हाजी अफजाल जी से कि आज बाबा साहब की 127वीं जयंती मनाई जा रही है। हाजी अफजाल जी, आप बाबा साहब की 127वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, तो ये क्या आज जरूरत पड़ी है इस तरीके बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और पार्टियाँ भी आज बाबा साहब की जयंती मना रही हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस मुबारक मौके जयंती पे पूरे देश को मुबारकबाद देता हूँ। बाबा जी की तुलना इन 300 सालों में किसी नेता से नहीं हो सकती। बाबा जी की तुलना, भीमराव अंबेडकर जी की तुलना अंग्रेजों के शासन में उस टाइम के हुक्मरानों से नहीं हो सकती। बाबा जी की तुलना नेहरू और गांधी जी से नहीं हो सकती। बाबा जी की तुलना ज्योतिबा फूले से हो सकती है। बाबा जी की तुलना रविदास जी से हो सकती है। बाबा जी की तुलना के लिए आज पूरा देश बाबा जी की जो दिए हुए अधिकार हैं उनके साथ हमें जीने का मौका मिल रहा है और बाबा जी के नाम को आज विश्व हिंदू परिषद RSS BJP बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बाबा जी के नक्शे कदम पे अगर कोई चलता है तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उस विचारधारा के साथ में अपने जीवन को बिता रहे हैं और बहुजन समाज ही इस देश का उद्धार कर सकती है। आज फासिस्ट विचारधाराओं को ताकतें मिल रही हैं, उन विचारधाराओं की ताकतों के साथ में आज बैंक में पैसा गरीब आदमियों को नहीं मिल रहा, ATM के अंदर गरीब आदमियों को पैसा नहीं मिल रहा। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री होंगी तो सबको अधिकार मिलेगा, सबको इंसाफ मिलेगा, सबको हक मिलेगा। देश के अंदर किसी बहन बेटी का बलात्कार नहीं होगा, बहन बेटी सेफ होंगी, बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। हाजी जी, आज तो ये नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बना वो बाबा साहब की देन है। वो चाय बनाने वाले इस देश के अंदर अपनी पत्नी को सम्मान दें, वो देश की पब्लिक को क्या सम्मान देंगे जब वो अपनी घर की पत्नी को सम्मान नहीं दे सकते, वो देश को सम्मान नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात कही है। बाबा साहब का नाम लेके पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर घूम रहे हैं और कहते हैं कि आज जो मैं हूँ बाबा साहब के बदौलत हूँ। लेकिन अभी हाजी जी ने बताया कि जो अपनी माँ को सम्मान नहीं दे सकते, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकते, तो देश के अंदर किसको सम्मान दिया जाएगा? एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और उन्हीं के MLA उन्हीं के मंत्री बेटियों के साथ में इस तरीके के घिनौनी हरकतें करते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।